राधे राधे फ्रेंड्स, मेरे चैनल राधे क्रिएशंस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको दो नंबर के लड्डू गोपाल जी की चोली बनाना बताऊंगी। ये देखिए, इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर नॉट लगाऊंगी। ये देखिए, इस तरह से थ्रेड को लिया, फिंगर पर इस तरह से रखा और इसमें से निकाल कर इसमें निकाल दिया और छोटे वाले धागे को हम खींच देंगे तो ये हमारी नॉट बन जाएगी। इस धागे को हम थोड़ा लूज रखेंगे, इसमें से क्रोशे हुक में से इस तरह से निकाला। ये देखिए, इस तरह से चैन बन गई। ये देखिए, इस तरह से अब यह मैं यहाँ पर 13 चैन बना लूंगी। इस तरह से करके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 13 चैन देखिए मैंने लूज बनाई है, थोड़ी टाइट हाथ से मत बनाइए। 13 चैन बनाने के बाद मैं यहाँ पर 3 चैन और लूंगी, 1, 2, 3। 3 चैन लेने के बाद अब मैं यहाँ 4th चैन में, ये देखिए जो मैंने बाद में 3 चैन बनाई है उन्हीं में छोड़ दूंगी, अपनी 4th चैन में मैं यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लूंगी। ये देखिए, डबल क्रोशिया किस तरह से बनाते हैं, इस तरह से पहले क्रोशिया में इस तरह से हम अपने ऊन को ले लेंगे, इस तरह से इसी चैन में मैं बनाऊंगी। इस चैन में से ही इस तरह से लिया, इसको थ्रेड को इस तरह से निकाला, 2 का 1 और 2 का 1 कर दिया तो ये हमारा डबल क्रोशिया हो गया। शुरू में जो हमने 3 की चैन बनाई है, 1 डबल क्रोशिया हमारा वो काउंट होगा और 1 चैन में मैंने 2 बार डबल क्रोशिया ये बना लिया है। अब मैं अपनी हर चैन में 2-2 बार डबल क्रोशिया बना लूंगी। ये देखिए, इस तरह से एक ही चैन में मैं 2 बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी। अब जो ये हमारी लास्ट वाली चैन होगी, ये यहाँ पर मैं 1 बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी। 1 डबल क्रोशिया हम यहाँ शुरू में बनाया है और 1 डबल क्रोशिया हम यहाँ पर लास्ट में बनाएंगे। बाकी सब चैन में हम बीच में 1-1, 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे एक चैन में। अब ये देखिए, ये लास्ट चैन में है, यहाँ पर मैं 1 बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी इस तरह से। बाकी सब चैन में मैंने देखिए 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाया है तो इस तरह से, ये देखिए इस तरह से शेप आ जाएगी हमारी शुरू में। अब यहाँ पर हम 3 चैन लेंगे, 1, 2, 3। 3 चैन लेने के बाद मैं यहाँ पर देखिए नेक्स्ट चैन में 1 बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी। अब ये देखिए, ये एक जो हमने शुरू में 3 चैन बनाई है, 1 डबल क्रोशिया हमारा ये हो गया, 1 डबल क्रोशिया ये बनाया। नेक्स्ट चैन में 1 बार डबल क्रोशिया में इस वाली चैन में बनाऊंगी 3 और ये 4। ये हमारी चोली के फ्रंट के लिए 4 डबल क्रोशिया हो गए। ये देखिए, 1, 2, 3, 4। अब यहाँ पर हम बाजू कट करेंगे। ये देखिए, 1, 2, 3, 4, 5। बाजू के लिए हम यहाँ पर 5 चैन स्किप करेंगे, 6ठी चैन में हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए, इस तरह से पहले हम क्रोशिया हुक में इस तरह से ले लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 5 चैन छोड़ के 6ठी चैन में हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लेंगे तो ये इस तरह से ये हमारा आर्म होल बन जाएगा। अब हम यहाँ पर 8 बार, ये देखिए, अब यहाँ पर हम 8 चैन में 8 बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ। 8 चैन में 8 बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहां पर हम दूसरी तरफ बाजू बनाएंगे तो हम यहां पर 5 चैन स्किप करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। 6ठी चैन में मैं यहां पर डबल क्रोशिया बना लूंगी। ये देखिए, इस तरह से अब यहां पर मेरी देखिए 4 ही बची हैं चैन। अब मैं 4 चैन के ऊपर, ये देखिए, 4 बार डबल क्रोशिया बना लूंगी, 3 और 1। ये हमारी साइड की चैन है, इस पर बना लूंगी 3, 4। ये देखिए, इस तरह से ये देखिए चोली की शेप आ गई है। अब मैं यहाँ पर चोली की लेंथ के लिए 3 चैन ली और 1 बार सभी चैन पर मैं 1-1, देखिए जितनी चैन है हमारी सब पर मैं 1-1 बार डबल क्रोशिया बना लूंगी। ये देखिए, 3
ये देखिए इस तरह से, ये देखिए ये मैंने अपनी रो कंप्लीट कर ली है। अब ये लास्ट में हम इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। ये जो हमारी थर्ड चेन है इसमें हम लेंगे क्रोशिया हुक डालेंगे, इस तरह से थ्रेड को निकालेंगे और यहां पर ये देखिए इस वाले हुक में से इस तरह से निकाल देंगे, तो ये हमारी स्लिप स्टिच बन जाएगी। अब ये हमारी चोली बनकर बिल्कुल रेडी है, ये देखिए इस तरह से। अब यहां से हम अपना घेरा स्टार्ट कर सकते हैं, ये देखिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।